nights reminiscing on the things I did. Did I really fuck up or did I just wanna get rid? Shawty doesn't know that all this shit brought me, cause I never wanna go. तो हेलो गेमर सर, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया रहना। सो गाइज, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ओपी होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी सेंसिटिविटी क्या रखें और अपनी सेटिंग्स क्या रखें, जिससे कि आपके ईजिली से ड्रैग हेडशॉट या वन टैप हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने हाल फिलहाल में ही ये फ्री फायर डाउनलोड किया है और उनको पता नहीं है कि वो यार क्या ही अपनी सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी रखें। तो अगर आप पुराने प्लेयर हैं तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें बेसिक सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी बताई। और अगर आप नए हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, पास में जो बेल आइकन उसको ऑल पे सेट करना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए यार, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले मेन चीज़ आती है सेंसिटिविटी की, ठीक है गाइस? तो सबसे पहले आपको जाना है सेंसिटिविटी में, और सेंसिटिविटी में जाने के बाद आपको जर्नल, रेड डॉट, 2x, 4x, AWM स्कोप एंड फ्री लुक, ये सारी की सारी सेंसिटिविटी दी रखी हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ड्रैग हेडशॉट या वन टैप हेडशॉट मारते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपकी सिर्फ जर्नल की सेंसिटिविटी ही मायने रखती है। बकाया आपको रेड डॉट, 2x, 4x, AWM एंड फ्री लुक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि रेड डॉट के ऊपर मैंने डीपली वीडियो बना रखी है कि रेड डॉट कब काम में आता है। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि रेड डॉट का क्या ही यूज़ होता है। बकाया सिर्फ आपको जर्नल ही मेन चीज़ रहती है आपके वन टैप हेडशॉट और ड्रैग हेडशॉट को मारने के लिए। तो प्लीज़ आप अपनी जो जर्नल की सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें, मतलब आपको 90 से कम रखना ही नहीं है, आपको 90 से ज़्यादा ही रखना है। और अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आप उसको 80-90 रख सकते हैं। बकाया अगर आपके पास एंड्रॉयड का कोई भी डिवाइस है तो आप उसको 100 ही रखिए। सो गाइस, मेरी की आप देख सकते हो कि मैं इसको हमेशा 100 ही रखता हूँ। और बकाया तो आप सब जानते हो कि 2x एंड 4x एंड AWM की सेंसिटिविटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप वन टैप हेडशॉट या ड्रैग हेडशॉट मारना चाहते हैं तो आपको क्या है, आपको जनरल की सेटिंग्स वो हमेशा बढ़ा के ही रखनी है, ठीक। फिर इसके बाद फिर आपको जाना है ग्राफिक्स में। तो गाइस, अब हम आ गए हैं ग्राफिक्स में। तो गाइस, ये सेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट के लिए। तो गाइस, अगर आपके पास 3GB या 2GB रैम का फ़ोन है जिसमें आप फ्री फायर खेलते हैं तो आपको क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, एंड आपके पास 4GB का रैम का फ़ोन है तो आपको क्या सेटिंग्स रखनी चाहिए, एंड आपके पास अगर 6GB एंड हाई डिवाइस कोई फ़ोन है तो आपको कितनी सेटिंग्स रखनी चाहिए। तो गाइस, अगर आपके पास 2GB या 3GB का है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्मूथ पे लगा सकते हो, आपको स्मूथ पे लगा देना है, एंड स्मूथ पे लगाने के बाद आपको जो हाई FPS है वो हाई कर देना है, ठीक है गाइस? तो हाई FPS को ऑन करने से फ़ायदा ये रहता है कि आपका जो गेम है वो एकदम मक्खन चलेगा, मक्खन के माने एकदम स्मूथ चलेगा, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा और आपका फ़ोन लैग भी नहीं होगा, क्योंकि आपने स्मूथ पे हाई FPS लगा के रखा है। यही अगर आपके पास 4GB का रैम का फ़ोन है तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको स्टैंडर्ड पे लगा सकते हो, स्टैंडर्ड पे लगाने के बाद आप हाई FPS पे लगा सकते हो। पर हाई FPS पे लगाने से एक दिक्कत रहती है, क्योंकि आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी डेड होती है, मतलब बहुत ही जल्दी डाउन होने लगती है। तो अगर आपका फ़ोन फुल चार्ज वगैरह ज़्यादा अच्छी बैटरी है तो आप हाई FPS पे लगा सकते हैं, वरना आप नॉर्मल पे ही खेल सकते हैं। और अब भाई, अगर जिनके पास अच्छा डिवाइस है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अल्ट्रा पे लगा सकते हैं, अल्ट्रा पे लगाने के बाद वो हाई FPS ऑन कर सकते हैं। और मैं अपना बताऊं पर्सनली, तो मैं स्टैंडर्ड पे नॉर्मल पे खेलता हूं और कभी कभी हाई पे लगा लेता हूं, क्योंकि यार जब बैटरी जब डाउन होती है तो मैं नॉर्मल पे खेल लेता हूं, अगर बैटरी अच्छी है तो मैं हाई पे खेल लेता हूं। फिलहाल मेरे दोनों पे बढ़िया लग चल जाता है। तो आप अपने हिसाब से अपने फ़ोन की सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस?
तो गाइस उसके बाद आता है अपना कस्टम HUD। तो कस्टम HUD में जाने से पहले आपको कुछ कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे। तो आपको जो अपना एम वो सारे बंदे डिफ़ॉल्ट पे ही खेलते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट पे लगा देना। और डिफ़ॉल्ट पे लगाने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का। और मैं अगर हम अपना आपको कस्टम HUD दिखाऊँ तो मैं कुछ इस टाइप का कस्टम HUD रखता हूँ, जिसमें मेरा फायर बटन का साइज 39 है। 39 पे मेरे OP से ड्रैगन बेल्ट टैप लग जाते हैं, आप वीडियो में देख ही चुके हैं। और बकाया मेरी आप देख सकते हो कि सारा का सारा इस टाइप से है कस्टम HUD। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यार वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन उसको ऑल पे सेट कर देना। तो बस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको अगली किसी वीडियो में। तब तक की बाय बाय एंड टेक केयर।